विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय द अनटोल्ड अंबेडकर के तीसरे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब अपनी पढ़ाई करने के लिए लंदन गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे तब तो बाबा साहब जिस घर में एज अ पेइंग गेस्ट रहा करते थे उस घर की उसके उस घर के बारे में आपको कुछ अनटोल्ड बातें बताना चाहता हूं बाबा साहब जिस घर में एज ए पेंगेस्ट रहा करते थे उस घर के एग्रीमेंट के साथ साथ उस घर मालकिन ने बाबा साहब को रोज का सुबह का नाश्ता भी देना है ऐसा करार उस एग्रीमेंट में था लेकिन उस घर की मालकिन इतनी दुष्ट थी कि वो बाबा साहब को हफ्ते में या दो हफ्ते में एक बार नाश्ता दिया करती थी और वो भी ब्रेड के कुछ टुकड़े बाबा साहब का एक दोस्त वहां पर था बाबा साहब के उस दोस्त ने बाबा साहब को कुछ पापड़ दिए थे तो बाबा साहब उस पापड़ के टुकड़ों को खाकर गुजारा किया करते थे जब मैं लंदन के उस घर से हम जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गए वो ट्रेन पकड़ के हमको पंद्रह मिनट लगे थे और वहां से ग्रेजिन चलकर गए बाबा साहब इतना डिस्टेंस का इतने दूरी को पैदल पार किया करते थे ताकि बाबा साहब का जो पैसा है वो ट्रेन के भाड़े में खर्च ना हो बाबा साहब इतने ट्रायंगल में पूरे दिन भर में वो पैदल उस लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेजिन में जाया करते थे इन हालातों में जब बाबा साहब के पास ही पैसे नहीं है ऐसे हालातों में बाबा साहब का दूसरा बेटा गंगाधर बीमार पड़ गया माता रमाई मुंबई में उसका देखभाल कर रही थी लेकिन जब माता रमाई को लग गया कि अब यह बच नहीं सकता है और इसके दवाई के लिए पैसे नहीं हैं तब तो माता रमाई ने बाबा साहब को टेलीग्राम किया बाबा साहब को टेलीग्राम किया और उस टेलीग्राम में बाबा साहब के लिए लिखा कि बाबा साहब हमारा बेटा गंगाधर बहुत बीमार है उसके दवाई के लिए कुछ पैसे भेज दीजिए बाबा साहब ने क्या रिप्लाई भेजा आप लोगों को पता है बाबा साहब ने रिप्लाई में लिखा कि रामू अगर हमारा बच्चा अगर बच बच्च नहीं सकता है तो हमें उसे जाने देना चाहिए एक बाप अपने बेटे के लिए कह रहा है कि अगर वो नहीं बच सकता तो हमें उसे जाने देना चाहिए बाबा साहब और आगे लिखते हैं कि रामू मैं भी यहां पर एक ब्रेड का टुकड़ा खाकर गुजारा कर रहा हूं ऐसे हालातों में मेरे पास आपको भेजने के लिए पैसे नहीं है जब ये बात माता रमाई को पता चली कि बाबा साहब अंबेडकर जी के पास खाने के लिए तक वहां पर पैसे नहीं है गंगाधर तो जा चुका था लेकिन जब माता रमाई को यह बात पता चली कि बाबा साहब एक ब्रेड का टुकड़ा खाकर वहां पर गुजारा कर रहे हैं तब माता रमाई ये मुंबई में गोबर इकट्ठा करके उसके उपले बनाकर सुबह सूरज उगने से पहले वो उपले बाजार में बेच कर आया करती थी और जो पैसे माता रमाई ने इकट्ठा किए वो सारे पैसे इकट्ठा करके उन्होंने बाबा साहब को लंडन में भेजे ये भारत के ही नहीं विश्व की पहली महिला ऐसी होगी जिन्होंने भारत से परदेश में अपने पति के लिए पैसे भेजोंगे वरना आज भी 2020 में भी अगर पति एक या दस तारीख तक पैसे नहीं देता तो उसकी पत्नी उसके पीछे हाथ धोकर लग जाएगी लेकिन माता रमाई पहली ऐसी पत्नी होगी पहली ऐसी स्त्री होगी जिन्होंने अपने पति के लिए परदेश में पैसे भेजे ये अनकही बातें किसी किताबों में या किसी मूवीज में आपको नहीं मिलेगी ये अनटोल्ड अंबेडकर में आपको मिलेगी